चाहे जो भी हो, मीठा आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम कनिका। और आज है डे नंबर 22 ऑफ मी ट्राइंग रुचिता दिवेकर्स डाइट प्लान। तो आज 22 दिन हो गए हैं मुझे ये लाइफस्टाइल, ये डाइट प्लान फॉलो करते हुए एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। और गाइज, आज रक्षाबंधन भी है, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ एज यूजुअल गर्म पानी से, उसके बाद वही मैं अपने आलमंड रेजन्स खाऊंगी, देन ब्रेकफास्ट। तो आज फेस्टिवल है, सब मिलेंगे, क्या होगा, मैं कैसे कैसे मैनेज करूँगी अपनी डाइट, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बट फिलहाल के लिए मैं आराम से पीती हूँ अपना गर्म पानी। तो गाइस, फाइनली टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट का, और मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ पोहा, वेजिटेबल पोहा है। और मैंने नहा लिया है और सारे काम वाम सब कुछ हो चुके हैं। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अब रेडी होंगी। फिलहाल के लिए मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। पोहा इज़ द बेस्ट ऑप्शन ब्रेकफास्ट के लिए, सबसे क्विक, इजी और यमी होता है। मैं आराम से करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, फिर रेडी होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। गाइज, आई एम रेडी। और ये थोड़ा बहुत मैंने मेकअप किया है, और ये मैंने येलो कलर की एक लॉन्ग कुर्ती पहनी है, इफ़ यू गाइज कैन सी। तो गाइज, अब मुझे निकलना है, मैं ऑलरेडी थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ, तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। आई एम बैक। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं अभी आधे घंटे पहले ही घर पे आई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं। तो मैं अपनी चाची के घर पे गई थी, तो वहाँ पे पूरा गेट टुगेदर हुआ था, हम सारे कजन्स वगैरह ये सब, तो वहीं पे पूरा रक्षाबंधन का प्लान हुआ था। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, मैंने लंच में आज पूरी खाई थी, दो पूरी और थोड़े से एक दो चम्मच राइस थे वो खाए थे, और थोड़ी थोड़ी सी सब्जी थी, तो मेरा आज लंच था। और मैंने काफ़ी टाइम बाद पूरियां खाई है, और एक्चुअली मैं ट्राई कर रही थी कि मैं ये सब ना खाऊं, बट फिर मेरे को लगा कि यार रक्षाबंधन साल में एक ही बार आता है, और जो मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ उसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट अपनी क्वांटिटी, अपने पोर्शन को आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। इसलिए मैंने सिर्फ दो पूरी खाई थी और थोड़े से राइस खाए थे, एंड देन उसके बाद मैंने एक डेढ़ घंटे के बाद मैंने नींबू पानी पिया था, एंड उसके बाद से मैंने अभी तक फ़िलहाल कुछ खाया नहीं, बिकॉज वो ही काफ़ी हैवी हो गया था, तो मुझे भूख भी नहीं लगी, और मैं चाहती भी नहीं थी कि मैं अननेसेसरी कुछ खाऊं। बट बेस्ट थिंग आज की ये थी कि मैंने बिल्कुल भी जो स्वीट्स होती है ना उनको टच तक नहीं किया। चाहे जो भी हो, मीठा आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता,
तो इसलिए मैंने स्वीट्स बिल्कुल भी नहीं खाई, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कंट्रोल किया खुद पे। तो गाइज अभी डिनर टाइम होने वाला है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, तो हो सकता है मैं सिर्फ एक दूध पी के ही सो जाऊंगी, हल्दी वाला मिल्क मैं पी के सो जाऊंगी, बिकॉज अननेसेसरी मैं खाना नहीं चाहती हूँ अगर मुझे भूख नहीं है तो। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी तक की गाइज यही अपडेट थी, मेरा ऐसे ऐसे पूरा दिन काफ़ी बिजी था, ऐसे ही गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, मुझे आप लोगों के साथ अपना वेट भी शेयर करना है कि मैंने अभी इस वीक में कितना वेट लूज़ किया है। तो गाइज आज सुबह मैंने फ्रेशन अप होके अपना वेट चेक किया था एंड माई करंट वेट इज़ 80.90। तो अगर मैं बात करूँ अपने प्रीवियस वीक की, तो मेरा जो वेट था 81.40 था और अभी मेरा वेट है 80.90, यानी कि मैंने 500 ग्राम्स लूज़ किए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है कि आप हर वीक सेम ही क्या कहते हैं वेट रिड्यूस करोगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीक में 2.2 केजी रिड्यूस किया था, सेकेंड वीक में मैंने 1 केजी रिड्यूस किया था एंड थर्ड वीक में मैंने 500 ग्राम ही लूज़ किया है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं हर वीक सेम ही वेट रिड्यूस करूँगी, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आपके वेट लॉस में। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे को काफ़ी मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, खांसी वासी ये सब, तो मैंने थोड़ी दवाइयाँ वगैरह भी ली थी अभी जो मेरा वीक है उसमें, तो वो भी एक रीज़न रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा वेट कम नहीं हुआ। बट जो भी है ये बहुत हेल्दी वे में मैंने रिड्यूस किया है, तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट एज सच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मैंने 3 वीक्स में अराउंड 3.5 किलो से ज़्यादा ही वेट रिड्यूस किया है, जो कि बहुत हेल्दी वेट लॉस है। और अभी भी मेरे पास 10 डेज बचे हैं, तो उसमें भी देखते हैं मैं कितना वेट रिड्यूस करती हूँ। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। गाइज अभी तक की अपडेट यही थी, मैंने आप लोग के साथ अपने वेट भी शेयर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीक का जो भी मेरा वेट लॉस होगा वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज अभी आई एम रियली टायर्ड, मैं देखती हूँ कि अगर मेरे को कुछ खाना होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, अदरवाइज हो सकता है मैं सो जाऊँ, बिकॉज कल का दिन भी मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी जाने वाला है। तो देखते हैं क्या होगा, मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर कर दूँगी। बट फिलहाल के लिए जो भी था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो गाइज मैं अब मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगी कल सुबह 9 बजे। बट जाने से पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो गाइज अब मैं चलती हूँ एंड यू गाइज प्लीज़ कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।